हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम फ्रेंड्स आपको जैसे कि पता है कि क्लास टेंथ की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है और हम डेली थर्टीन और फोर्टीन क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं तो आज हमारे पास लेसन थ्री एंड लेसन थ्री का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन कल हमने जो था फर्स्ट पार्ट किया था हिज फर्स्ट फ्लाइट सो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पास में जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम के लिए सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर जो एरोप्लेन था एयर में ट्विस्ट क्यों कर रहा था क्या हो गया था ऐसा फ्लाई करने के बाद में तो देखो क्योंकि स्ट्रॉन्ग आ गई थी क्योंकि क्या आ गया था तूफान आ गया था ना तभी वो जो क्या करने लग गया था एरोप्लेन ट्विस्ट करने लग गया था दैन सेकेंड क्वेश्चन है वाई डेड द पायलट कॉल पैरिस कंट्रोल पैरिस कंट्रोल रूम को पायलट ने क्यों कॉल किया क्यों कॉल किया था डायरेक्शन के लिए क्योंकि देखो जब वो स्टॉम में चला जाता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता ठीक है तो उसके लिए वो कहाँ कॉल करता है सबसे पहले पैरिस कंट्रोल रूम पर वो कॉल करता है द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनी थिंग सी कुछ भी नहीं देख पा रहा था पूरे बादलों से घिरा हुआ था आस पास से वो तो वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ plane प्लेन working वर्किंग फर्स्ट देखो जब वो उड़ता है तो uh, सबसे पहले उसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे रेडियो कंपास इंजन स्पीडोमीटर ये सब कुछ चीज़ें थी उसके पास में वहाँ पर एरोप्लेन में लगी होती लेकिन सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो कंपास ख़राब होता है और कंपास किस के लिए यूज़ होता है डायरेक्शन बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने के लिए कंपास का यूज़ होता है वाई डेट सॉरी व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक अब देखो क्या रिस्क वो लेता है पायलट तो क्या रिस्क लेता है फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म वो स्टॉर्म के अंदर क्या कर जाता है फ्लाई कर जाता है व्हिच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कांटेक्ट ऑन हिज वे बैक देखिए जब वो उड़ता है तो वो कौन से स्टेशन पर कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन पूछने के लिए तो वो पेरिस कंट्रोल पर कॉल करता है क्योंकि वो अभी अभी उड़ा था और नियरेस्ट जो स्टेशन था उसका वो पैरिस ही था द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम कहां से कहाँ जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था है ना? फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर कौन है तो फ्रेडरिक फॉसथ है ठीक है ये राइटर्स तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिए क्वेश्चन तो बन के आते ही कहीं ना कहीं से हमेशा वॉट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स ब्लैक माउंटेन की जैसे क्या नजर आ रहे थे तो ब्लैक माउंटेन की जैसे क्या नज़र आ रहे थे भैया तो वो नज़र आ रहे थे क्लाउड्स स्टॉमी क्लाउड्स ठीक है वो इतने बड़े थे कि लग रहा था कि माउंटेन्स के mountains से सामने हाउ फार वॉज पायलट फ्रॉम पैरिस वैन ही सॉ ब्लैक क्लाउड जब उसको ब्लैक क्लाउड्स दिखे स्काई में तो वो पैरिस से कितनी किलोमीटर की दूरी पर था वो तो था 150 किलोमीटर की दूरी पर इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक में फॉलो करता है तो वो उसको north direction में फॉलो करता है इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ by द पायलट पायलट जो प्लेन uh, उड़ा रहा था उसका नाम क्या था डकोटा ठीक है डकोटा था द वेमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म देखो जो वुमेन थी उसने क्या कन्फर्म किया देखो उतरता है आपको पता है ना जैसे ही वो जब लैंड करता है उसके बाद सबसे पहले वो भाग कर कंट्रोल रूम पर जाता है और पूछता है किसके बारे में एरोप्लेन के बारे में क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन कोई था जिसने उसकी मदद करी थी स्काई में तो हालाँकि वहाँ पर कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था उसकी सिर्फ ये इमेजिनेशन थी है ना तो बट वो कन्फर्म करना चाहता था उस इल्यूजन उसको जो हुआ था स्काई में वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सच में कोई ब्लैक एरोप्लेन था या इट वॉज जस्ट माई एल्यूजन तो वो कन्फर्म करने जाता है तो वो क्या बताती है वो बताती है कि देर वॉज नो अदर प्लेन देर वॉज नो अदर एरोप्लेन कोई भी दूसरा एरोप्लेन उस दिन फ्लाई नहीं कर रहा था स्टॉर्म की वजह से हिज वॉज द ओनली वन विच वॉज फ्लाइंग इन द स्काई तो रडार पर उसको कोई दूसरा एरोप्लेन नज़र नहीं आता है ओनली डकोटा ही नज़र आता है ठीक है सो ये थे हमारे थर्टीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे इनको अच्छे से आप पढ़िएगा इसके अलावा आप चैप्टर भी पढ़िए है ना मैं तो ये नहीं करूँगी कहूँगी कि आप सिर्फ थर्टीन क्वेश्चन पर निर्भर ही चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और ये जो लेसन्स मैं लेके आ रही हूँ आपको ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए शेयरिंग इज़ केयरिंग ओके थैंक यू एंड बाय